नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। इस वीडियो में बात करने वाले भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर। भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल का एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा कॉलेज परीक्षाओं पर इस वक्त का। तो संपूर्ण जानकारी और अपडेट जानेंगे इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनल के सभी छात्रों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारतवर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना कोरोना डिग्री का थप्पा लग जाएगा। निशंक जो भारत के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है जो विद्यार्थी लगातार ट्विटर कर रहे हैं कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए और आंदोलन करें, उनके लिए सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को यूजीसी रिवाइज गाइडलाइन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का निर्णय अचानक लिया गया है। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई। गहन मंथन के बाद ये तय किया गया कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मार्च आंतरिक मूल्यांकन और पिछली परीक्षाओं से हो सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित होगी। और जीतेगा हिंदुस्तान कार्यक्रम में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के खास बातचीत में रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित किए बिना डिग्री देने से उस डिग्री पर कोरोना डिग्री का है वो थप्पा लग जाएगा। डॉक्टर निशंक ने कहा कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के समय कोरोना डिग्री वालों को अलग से छांट लिया जाएगा कि कहीं ये कोरोना का कोई नहीं तो है, और इससे उन्हें भविष्य में नौकरी मिलने से दिक्कत होगी, उनकी काबिलियत को कम करने को आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी के फैसले का शिक्षाविदों और कुलपतियों ने स्वागत किया है। कौन कहेगा बिना परीक्षा कराए डिग्री दे दी जाए। बच्चे हमारा भविष्य, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसे आज की दिक्कत उसे भविष्य में झेलनी पड़े। ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी राज्यों से बातचीत हो रही है, वहाँ के शिक्षा मंत्रियों से बात हो रही है, इससे पता चला है कि राज्यों ने बहुत अच्छे से काम किया, ये तो बात अलग है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने लिए ये है कि फाइनल के छात्रों को यहाँ पे प्रमोट करने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। फाइनल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल का कहना है। इन्होंने कहा कि यदि फाइनल के छात्रों को प्रमोट किया जाता है तो उन पर कोरोना डिग्री का थप्पा लग जाएगा, और वो भी कोई भी नौकरी देंगे तो उनको अलग से छांट कर उनका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी इस पर क्या राय, क्या जो शिक्षा मंत्री फैसला लिया वो सही है या फिर गलत, इस पर राय जरूर दे। धन्यवाद।